जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आप सभी को तो याद ही होगा कि GTA San Andreas के लास्ट वाले एपिसोड में यार कैटिलिना ने अपने को एक बहुत ही तगड़ी रेस के लिए चैलेंज किया था, जिसमें हमने उसको हरा दिया था। एंड गाइस आज हम लोग गेम को इसे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड यार मजा आने वाला है। तो यार इस वाली वीडियो में एम करते हैं 25x के लिए एंड यार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अपने को बहुत ही जल्दी 10K हिट करना है। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो यार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। हाँ, आप सभी को तो याद ही होगा कि लास्ट वाले एपिसोड के एंड में ना अपने को एक फोन कॉल आया था भाई। मतलब हाँ, वो भाई किस बंदे का था वो मेरे को यार पता ही नहीं चला। मतलब उसकी एक तो आवाज़ भाई अजीब सी थी एंड लग रहा था कि वो नशे में है। एंड हाँ गाइस, उसी का कॉल मेरे को यार दोबारा से आया। एंड हाँ गाइस, जब मेरे को पता चल चुका है कि यार वो कौन है, वो है भाई दत्तरुथ। मतलब उसका नाम दत्तरुथ है। बट हाँ, आप सभी को याद ही होगा जिसके लिए हमने यार काफी टाइम पहले ना एक सुपर हार्वेस्टर चुराया था। तो यार उसने ना मुझे उसके फार्म पे कुछ काम से बुलाया, तो यार हम लोग चलते। बट हाँ, उससे पहले मैं आप सभी को ये गाड़ी दिखाना चाहता हूँ। मतलब देखो यार क्या ऑसम कार है। एंड हाँ, ये मेरे को लास्ट टाइम मिली थी। मैं नहीं चाहता मैं अपनी स्पोर्ट्स कार को यार किसी ऑफ रोड ट्रैक पे भगाऊं। एंड हाँ गाइस, यहाँ पे मेरे को एक बाइक मिल चुकी है। फटाफट से इस बंदी से बाइक छीनते हैं। एंड हाँ यार, अब निकलते भाई हम लोग उस बंदे के फार्म के लिए और देखते भाई क्या काम आ गया उसको अपने से। भाई ये बंदे भाई बीच में नाच रहे होते हैं। एंड हाँ गाइस, मैं थोड़ा गलत ही आ गया था। चलो ठीक है भाई, अब यार फटाफट से गाड़ी भगाते हैं एंड पहुंचते उसके फार्म पे एंड देखते भाई उसको क्या काम है अपने से। भाई उसका फार्म ना ऐसे बहुत ज्यादा दूर है, मतलब लिटरली गाइस। इसलिए मैंने यार बाइक ले ली है, क्योंकि गाइस यार अगर हम लोग ने मतलब रास्ते में मैं सोच रहा हूँ कि यार रोडों को छोड़ करके ना ऐसे जंगलों वंगलों में गाड़ियां घुसा देंगे। बट हाँ, अगर अपने पे यार कार वगैरह रहती ना यार तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने बाइक ले ली। भाई बंदे ऐसे मैं ही गलत चला रहा हूँ। चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, गाड़ी लेके फटाफट से पहुंचते उसके फार्म पे। यहाँ से अपने को इधर जाना है। एंड यार अभी तो भाई सच्ची में बहुत ज्यादा दूर है। मतलब हाँ, आई गेस हम लोग अभी तक 25% रास्ता कवर कर चुके हैं। ऑलराइट गाइस, तो यार रात के 11 बज चुके हैं, इतना ज्यादा अंधेरा हो चुका है, मेरे को रास्ता कुछ दिख ही नहीं रहा है। एंड हाँ, मैं बस यार गाड़ी चलाते जा रहा हूँ। एंड हाँ गाइस, हम लोग ना ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं उसके फार्म पे। लेट्स गो गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं उसके फार्म पे। एंड हाँ, आप सभी को तो याद ही होगा कि जब हम लोग ने यार सुपर हार्वेस्टर चोरी करा था, तब हम लोग उसको यहीं पे लेकर के आए थे। एंड हाँ गाइस, एक सेकंड रुको, वो बंदा है किधर भाई? रुको, मैं अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क करता हूँ एंड देखते हैं भाई। तो यार मेरे को वो बंदा मिल चुका है। एंड हाँ गाइस, ये एक फार्मर है। अब यार फटाफट से इससे बातें करते हैं, देखते हैं भाई ये क्या बोल रहा है। गाइस गाइस गाइस, मेरे इस बंदे से बात हो चुकी है। एंड गाइस यार, अपने को सबसे पहले ना भाई इतने सारे जो भी यार क्रॉप्स है ना, यहाँ पे सभी के सभी को यार जलाना पड़ेगा। एंड ये क्यों जलाना पड़ेगा मैं आप सभी को बताता हूँ। तो यार ये सारी की सारी चीजें ना भाई ओपीएम है, मतलब हाँ गांजा वगैरह। एंड हाँ गाइस, इसके बारे में यार पुलिस को पता चल चुका है। एंड गाइस यार पुलिस वाले ना अभी तक यार आते होंगे। एंड उनका हेलीकॉप्टर भाई आ भी चुका है। एंड वो ना भाई यहाँ पे सर्चिंग कर रहे हैं। एक सेकंड रुको, मेरे को भाई फटाफट यार सारे के सारे क्रॉप्स को जलाना पड़ेगा एंड ऐसे निकलना पड़ेगा। भाई ये बहुत तगड़ा, मतलब बहुत ज्यादा महंगे में बिक सकता है। बट हाँ गाइस, ये गलत चीज है, तो यस गाइस अपने को भाई फटाफट से इसको जलाना पड़ेगा। भाई पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर ना यार सामने ही सर्चिंग कर रहा है। भाई वेट यार, वेट, मेरे को ना भाई फटाफट से यार बच्चे कुछ क्रॉप्स को आग लगा करके यार फटाफट से इधर से निकलना पड़ेगा यार। सारे के सारे क्रॉप्स हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। बट हाँ गाइस, ऊपर जो हमारे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ना गाइस, उसने भाई सारी की सारी चीजें देख ली है। तो हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ एक काम करते भाई, लॉन्चर निकालते हैं एंड इसको उड़ा देते हैं भाई। तो यार मैंने ना यहाँ पे RPG निकाल लिया। एंड हाँ गाइस, अब मैं नहीं छोड़ने वाला, अपने को ना भाई वहां पे मारना चाहिए जहाँ पे ना मतलब हेलीकॉप्टर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना भाई, उसके थोड़ा सा आगे, मतलब हाँ तभी जाकर के शॉट आई गेस लग सकता है। जो भी गाइस, लेट्स गो, फायर करते हैं और एक। एंड ओ भाई भाई भाई, खत्म कर दिया भाई हमने हेलीकॉप्टर। गाइस गाइस गाइस, हमने हेलीकॉप्टर तो उड़ा दिया। बट हाँ, अपने को ना भाई फटाफट से यहाँ पे यार गाड़ी में बैठ करके ना निकलना पड़ेगा, वरना भाई पुलिस वाले किसी भी टाइम पे आते ही होंगे। लेट्स गो गाइस, हम लोग भी अब गाड़ी के अंदर आकर के बैठ चुके हैं। भाई ये फार्मर तो पहले से ही बैठ रखा था, यार इधर से निकलते भाई फटाफट। तो यार हम लोग गाड़ी लेकर के तो यहाँ से बाहर आ चुके हैं। बट हाँ गाइस, अभी तक हमने भाई ये डिसाइड नहीं करा कि हम लोग कहाँ जाने वाले। वैसे ये कह तो रहा है मतलब कि अपने को भाई सैन फियारो चले जाना चाहिए। मतलब भाई बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही तगड़ी सिटी। एंड हाँ गाइस, आज तक मैं वहाँ गया नहीं हूँ, तो यार बहुत ज्यादा बड़ी सिटी है, देखते हैं भाई कैसे सिटी है। एंड हाँ गाइस, ये मेरे को बोल रहा है चलने के लिए, तो हाँ अभी फिलहाल अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलते हैं भाई। भाई यहाँ के रास्ते क्या ही है भाई, मेरे को नहीं पता, एकदम टेढ़े मेढ़े से। जो भी गाइस, लेट्स गो, यहाँ पे चलते हैं भाई, इस डायरेक्शन में अपने को जाना है। एंड हाँ गाइस, मेरे को नहीं पता वो सिटी कैसी होने वाली है। वैसे कह तो रहा है भाई कि यार बहुत ज्यादा तगड़ी सिटी है। जो भी है गाइस, लेट्स गो। एंड हाँ यार, रास्ते में यार पूरा का पूरा फॉग छा रखा है, मतलब देख रहे हो भाई। एंड हाँ यार, वैसे यार दिख तो कुछ यार धुंधला सा ही रहा है। तो यार हम लोग ना यार काफी दूर आ चुके हैं सैन फियारो, एंड अपने बीच में अभी यार बस इस टनल का ही डिस्टेंस बच रखा है। लेट्स गो, फटाफट से इस वाली टनल को पार करते हैं एंड उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे भाई सैन फियारो। ऑलराइट, तो यार ये वाली टनल पार हो चुकी है। एंड हाँ गाइस, ये है भाई सैन फियारो। तो गाइस वेलकम टू सैन फियारो। अभी तो यार यहाँ पे हम लोग एकदम नए, मतलब हाँ यहाँ के भाई अच्छे बदमाश, किसी से कोई भी अपना यार परिचय नहीं है। एंड हाँ गाइस, टेंशन की बात नहीं, आप लोग यार एकदम चिंता मत करो। जैसे हमने यार लॉस सैंटोस में अपना दबदबा बनाया था ना भाई, वैसे हम लोग यार यहाँ पे भी बना देंगे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। एंड हाँ गाइस, फिलहाल ना यार ये मेरे को यार इसके किसी बेस के बारे में बता रहा है, तो यार पहुंचते भाई फटाफट से वहाँ पे, क्योंकि और तो कोई जगह हम लोग जानते भी नहीं है यहाँ की।
तो यार अपने को ना पर एकदम सीधे जाना है, उसके बाद यार रास्ते से घूम करके आना है। वैसे वेट यार, मैं ना ऐसे एक शॉर्टकट मार तो सकता हूँ, तो हाँ यार गाड़ी यहाँ से कूदा दूँ क्या यार मैं? वेट भाई, ये ना एक वैन है एंड मेरे को लगता नहीं कि ये कूद पाएगी, बट हाँ यार टेंशन की बात नहीं है, कूदा के देखते एक बारी। ओ वाओ गाइस, अच्छे से लैंड कर गया यार, मेरे को लगा नहीं था वैसे। तो यार हम लोग इसके बेस पे पहुंच चुके हैं। बंदा भाई दिखता फार्मर है बट है नहीं यार, मतलब सच्ची में भाई सोच रहे भाई दूसरे सिटी में भाई अपना बेस बना रखा है बंदे ने। तो यार वो तो अंदर जा चुका है। हाँ गाइस, यहाँ पे अपनी फिलहाल अभी कोई गैंग तो है नहीं, बस हम ही दोनों लोग हैं, इसलिए मैंने यार सेजर को भी यार कॉल करके बुला लिया है भाई। गाइस गाइस गाइस, मेरे को ना और भी बंदे चाहिए होंगे यार। तो गाइस यार अभी ना मैंने उस फार्मर से यार कुछ बंदों के बारे में पूछा, मतलब हाँ जिनको हम लोग अपनी गैंग में ऐड कर सकते हैं। वैसे वीडियो पुलिस किसके लिए आई है? उत्तरी भाई, यहाँ की पुलिस तो अजीब ही है भाई, गाड़ियों में ला ला के ठोक रही है भाई। और तेरी देख रहे हो भाई कैसे चला रही है भाई। ओ भाई यहाँ की पुलिस कुछ ज़्यादा ही क्राइम पुलिस ही कर रही है भाई, बंदों को उड़ा दिया भाई। चलो ठीक है भाई। एंड हाँ यार मैं कह रहा था कि यार अपने को ना कुछ यार बंदे फाइंड करने पड़ेंगे ताकि ना हम लोग यार और भी ज़्यादा पावरफुल बने यहाँ पे। तो गाइस यार सीजर ना यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ गाइस अभी ना अपने को यार और भी काफ़ी सारे बंदे इकट्ठे करने हैं। तो यार सीजर तो बेस के अंदर है बट हाँ यार वो जो फार्मर है ना गाइस वो आके मतलब आकर के गाड़ी में बैठ चुका है। एंड हाँ गाइस अभी मैं और ये जा रहे हैं भाई कुछ बंदों को इकट्ठा करने ताकि हम लोग एक गैंग फॉर्म कर सके एंड यहाँ पे भाई अपनी डॉन वाली बातचीत बना सके। लेट्स गो, फटाफट से यार गाड़ी में चल करके बैठते हैं एंड यार निकलते हैं भाई। इसने मेरे को मतलब एकाध बंदों के यार बारे में बातें बताई है, क्योंकि यार पहले क्रिमिनल हुआ करते थे बट हाँ आजकल वो थोड़ी सार शरीफों वाली जिंदगी जी रहे, मतलब हाँ गाइस उनको ना भाई हम लोग यार दोबारा से इसी लाइन में लेकर के आने वाले हैं। जो भी गाइस लेट्स गो। तो यार जो सबसे पहला बंदा है ना भाई वो यार यहाँ पे एक फ्यूल स्टेशन में काम करता है, वहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं। वेट, मैंने अपनी गाड़ी ठोक दी बट यार टेंशन की बात नहीं, अंदर लेकर के चलते गाड़ी। हाँ तो यार ये वाला वो पेट्रोल पंप है जहाँ पे गाइस यार वो वाला बंदा काम करता है। गाइस गाइस गाइस, मेरे को वो बंदा मिल चुका है भाई, यहाँ पे किसी की कार रिपेयर कर रहा है, फटाफट से इससे बात करते हैं। तो यार मेरी ना इस बंदे से बात हो चुकी है एंड गाइस यार ये मेरे को कह रहा है ना कि यार ये आज का लास्ट काम है इसका एंड इसके बाद ही हमारे साथ चल लेगा। गाइस गाइस गाइस, ये बंदा भाई अपनी गाड़ी में आकर के बैठ चुका है, फटाफट से गाड़ी लेकर के इधर से निकलते हैं। एंड ना गाइस जो अपने को नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है ना भाई वो एक हॉस्पिटल है। तो यार जो अपना नेक्स्ट वाला बंदा है ना गाइस वो ना एक हॉस्पिटल में भाई दवाइयों को इधर से उधर ले जाने का काम करता है। एंड हाँ गाइस उसको भी अपने को भाई कन्विंस करना है अपनी गैंग को ज्वाइन करने का। जो भी गाइस लेट्स गो, फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं उस वाले हॉस्पिटल पे एंड हाँ यार फटाफट से अपनी गाड़ी भाई यहीं पे पार्क करते हैं एंड उसको यार बुला करके लेकर के आते हैं। तो गाइस यार अभी वो जो बंदा है ना गाइस वो यहाँ पे है ही नहीं, मतलब हाँ वो किसी काम से यार बाहर गया है। तो हाँ गाइस अपने एक मेंबर अभी फिलहाल के लिए कम हो जा रहा है, एक सेकंड रुको यार मेरे को यार गाड़ी मुड़ाने दो। एंड हाँ गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं भाई एक ऐसे बंदे के पास जो कि अपना एक रेस्टोरेंट चलाता है, मतलब एक तरीके से भाई फूड ट्रक चलाता है। एंड हाँ गाइस उसका उसी चीज़ का बिजनेस है। तो यार मेरे को वो वाला फूड ट्रक दिख चुका है जो कि उस बंदे का है जो कि अपना नेक्स्ट गैंग मेंबर होने वाला है। भाई हम लोग उस वाले फूड ट्रक के पास तो पहुंच चुके बट मेरे को वो बंदा दिख गया मेरे को लगा भाई कि है ही नहीं। तो यार ये बंदा भी हमारे साथ चलने को तैयार हो चुका है। ना यार हम लोग ना अपनी गाड़ी में जा रहे हैं एंड ये ना भाई अपनी वैन लेकर के आएगा। तो यार वो तो अपना फूड ट्रक लेकर के इधर से जा चुका है। ना गाइस जब हम लोग भी अपनी फटाफट से गाड़ी मोड़ाते हैं निकलते भाई इधर से। एंड यार मेरे को ना भाई इस बंदे ने और एक बंदे के बारे में बताया जो कि यार अपने इस चीज में हेल्प कर सकता है एंड अपने यार गैंग मेंबर में मतलब अपने गैंग मेंबर्स में आ सकता है। तो गाइस यार फटाफट से ना यार उसके पास चलते। तो यार यहाँ पे ना सुबह के 6:30 बज चुके हैं। हाँ गाइस अभी ना हम लोग बस यार पहुंचने वाले उस वाले बंदे के पास। एंड वेट, मेरे को भाई पुलिस वालों के सायरन की आवाज आ रही है। एक सेकंड भाई, पुलिस वाले कहाँ से आ गए भाई इतनी देर में? ओ भाई भाई इस बंदे ने ना कुछ यार क्राइम कर रखा है। हाँ यार पुलिस वाले भाई इसके पीछे जा रहे हैं एंड ये भाई देख रहे भाई क्या तगड़ी गाड़ी चला रहा है। एंड यार अपने को इन सब चीजों से अभी यार फिलहाल मतलब रखना नहीं है, हम लोग भाई फटाफट से पहुंचते उस वाले बंदे के पास। लेट्स गो गाइस, हम लोग यार ऑलमोस्ट उस वाली जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे वो बंदा अपने को मिलने वाला है। तो गाइस यार ये रहा वो बंदा। एंड हाँ यार ये ना भाई बहुत ज्यादा मतलब तेज सा बंदा देख रहे हो भाई, ऊपर भाई ड्रोन उड़ा रहा है अपना। लेट्स गो गाइस, तो ये बंदा भी भाई अपनी गाड़ी में आकर के बैठ चुका है। अब यार फटाफट से अपनी गाड़ी मुड़ाते हैं निकलते भाई इधर से एंड पहुंचते अपने बेस पे। भाई सब आगे का बोनट ही गायब हो गया भाई अपनी गाड़ी का। चलो जो भी है गाइस फटाफट से गाड़ी भगाते हैं एंड पहुंचते हैं। तो यार हम लोग पहुंच चुके अपने बेस पे। हाँ वो बंदा भाई जिसका यार फूड ट्रक था वो भी यार पहले से यहाँ पे पहुंच रखा है। नाइस यार। एंड यार फटाफट से अपनी गाड़ी पार्क करते हैं एंड हम लोग भी भाई अंदर चलते हैं अब। गाइस गाइस गाइस, तो यार मेरी ना भाई सेजर एंड उस वाले फार्मर से बात हुई। एंड वैसे वेट, मेरे को यार किसी का कॉल आ रहा है, लेट्स गो उसको पिक करते हैं भाई, देखते हैं कौन है। ओए रखो ये फोन रख। हाँ गाइस, तो यार बात कुछ ऐसे है ना कि भाई अपनी यार गैंग यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है भाई सैन फेयरो में भी। एंड यार अब यार हम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड से भाई करने वाले काफी सारे क्राइम्स। आज की इस वाली वीडियो में तो इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और भी काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे तो जाकर के देखो यार। एंड यार आज की इस वाली वीडियो एम किया मैंने ओनली 25 लाइक्स के लिए। एंड यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार, अपने को बहुत ही जल्दी 10K करना है। आज की इस वाली वीडियो में तो इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड गुड गुड।